हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उत्तपम की रेसिपी। तो पहले भी मैंने उत्तपम आपके साथ शेयर किया है, तो आज की रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट होगी क्योंकि इसे हम बनाएंगे मल्टी ग्रेन डोसे के बैटर से। तो चलिए पहले हम उत्तपम के साथ खाने के लिए कोकोनट की चटनी बना लेंगे। तो ये कच्चा नारियल है, तो इसका मैंने स्किन निकाल दिया है। आप चाहे तो इसके स्किन के साथ भी चटनी बना सकते हैं। अब इसमें डालते हैं हस्बे ज़रूरत हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को मैंने हल्के से फ्राई कर लिया है, आप चाहे तो बिना फ्राई किए भी डाल सकते हैं। तो साथ में डाल देते हैं 4 से 5 लहसुन की कलियां। आज मैं बिल्कुल प्लेन कोकोनट की चटनी बना रही हूँ, आप चाहे तो इसमें थोड़े से मूँगफली या फिर पुठाने भी ऐड कर सकते हैं। वो चटनी की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर आप नहीं देखे हों तो मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो अब इसमें डाल देते हैं हस्बे ज़रूरत नमक। अगर आप खटास पसंद नहीं करते हो तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर स्मूथ ग्राइंड कर लीजिए, लेकिन चटनी में थोड़ी खटास डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया होती है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ इमली का पानी। इमली को पहले भिगा लेंगे, उसको अच्छे से मैश करके उसका पानी इसमें डालेंगे। आप जितनी खटास पसंद करते हो उतना डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए चटनी बढ़िया से ग्राइंड हो चुकी है, तो मैंने जार में थोड़ा सा पानी डालकर उसमें बची हुई चटनी भी निकाल लिया है। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बढ़िया है, तो इसी तरीके की गाढ़ी चटनी रखना होगा। तो चलिए अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। गैस पे रख देंगे पैन। तो इसमें डालते हैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। देखिए तेल हल्के से गर्म हो गया है, तो 2 से 3 सूखी हुई लाल मिर्च को इस तरीके से तोड़ के डालेंगे। अब इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून मस्टर्ड। गैस की फ्लेम को मैंने लो ही रखा है, तो अब इसमें डाल देते हैं थोड़े से करी लीफ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मस्टर्ड चटकने लगी है, तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। इसमें से बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है, तो चलिए अब इसे डाल देते हैं चटनी में। देखिए मज़ेदार कोकोनट की चटनी तो हमारी बन चुकी है, तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे आप कई सारे साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट के रेसिपीज के साथ सर्व कर सकते हैं, चाहे डोसा हो या उत्तपम या फिर वड़ा। मैसूर भजिए के साथ भी ये चटनी बहुत ही मज़े की रहती है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे साइड पर रख देंगे। तो चलिए अब हम उत्तपम की तैयारी कर लेते हैं। 2 बड़े साइज़ के ऑनियन को फाइनली चॉप कर लिया है, तो इसमें डाल देंगे। तो आप इसमें डाले हुए वेजिटेबल्स को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ टमाटर और प्याज से उत्तपम बनाना चाहो तो वो भी बहुत ही बढ़िया रहता है। तो मैंने इसमें डाला है 1 बड़े साइज का टमाटर। अब इसमें डालते हैं फाइनली चॉप कैरेट्स, या फिर आप श्रेड करके भी डाल सकते हैं। अगर कैरेट्स नहीं डालना चाहो तो स्किप कर सकते हैं। अब डालेंगे बारीक कटी हुई लाल और हरी मिर्च, ये आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। साथ में डालेंगे फाइनली चॉप कोरिएंडर लीव्स। हस्ब जरूरत डालेंगे नमक। अब मैं इसमें डाल रही हूँ श्रेडेड कोकोनट, अगर आप नहीं डालना चाहो तो स्किप कर सकते हैं। अगर आप हरी और लाल मिर्च नहीं डालना चाहो तो चिल्ली फ्लेक्स डाल सकते हैं। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार आप मेरे तरीके से उत्तपम ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही मज़े का होता है। ठंडा होने के बाद भी ये बहुत ही टेस्टी रहता है, बच्चे और बड़े दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत ही मज़े से खाएंगे। देखिए ये तो अच्छे से मिक्स हो गया है, तब इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी फाइनली चॉप अदरक। इसमें अदरक का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया रहता है, अगर आप नहीं डालना चाहो तो स्किप कर सकते हैं। तो एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तो देखिए बढ़िया से हमारा वेजिटेबल्स तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम उत्तपम के लिए बैटर निकाल लेंगे। देखिए ये वही बैटर है हमने 2 दिन पहले बना के रखा था मल्टी ग्रेन डोसे के लिए। देखिए अभी भी ये बिल्कुल बढ़िया से है, जैसे कि हम फ्रेश बैटर बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके का है। तो ये बैठा भी नहीं है, कई सारे लोगों की शिकायत होती है नेक्स्ट डे बैटर बैठ जाता है। तो हमने इसमें नमक नहीं डाला था, फ्रिज में रखे थे। तो अब मैंने फ्रिज से निकाल कर इसे तकरीबन आधा घंटा पहले बाहर रख दिया है। तो अब इसमें डाल देते हैं हस्बे ज़रूरत नमक। अगर आप इस बैटर को फ्रीज़र में रखे हों तो तकरीबन 3 से 4 घंटे इसे बाहर रख दीजिए फ्रीज़र से निकाल कर, तो वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो उसके बाद ही आप उत्तपम या फिर डोसा बना सकते हैं। तो चलिए अब हम उत्तपम बनाना स्टार्ट करेंगे। गैस पे तवा रख देंगे, इस तरीके से ऑयल से हल्के से ग्रीस कर लेंगे। तब इसके ऊपर डालते हैं डोसे का बैटर। इस तरीके से वेजिटेबल्स इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे।
अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हों तो इसमें थोड़ा सा चीज़ भी डाल सकते हैं। आज मैं बिल्कुल सिंपल उत्तपम बना रही हूँ, तो आप इसमें और भी वेजिटेबल्स डालना चाहो तो डाल सकते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और बीन्स। अच्छे से वेजिटेबल्स को बिल्कुल किनारों तक स्प्रेड करने के बाद अब थोड़ा सा तेल इसके ऊपर डाल देंगे। लो फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसका एक साइड पका लेंगे। इसे पकाने का सारा प्रोसेस हम लो फ्लेम पर ही करेंगे। तो ये देखिए ऊपर से हल्के से सूख रहा है, तो अब इसे हम हल्के हाथों से इस तरीके से प्रेस करेंगे। इसे पकते हुए तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब हम इसे पलटकर इसका दूसरा साइड भी पका लेंगे। आज की मज़ेदार उत्तपम की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं इस तरीके के मज़ेदार से रेसिपीज अपलोड करूँगी तो आपको उसके नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएंगे। लो फ्लेम पर इसे पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब हम इसे पलटेंगे। तो देखिए इसका दूसरा साइड भी बढ़िया से पक चुका है, तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से दूसरा उत्तपम भी बना लेंगे। आप उत्तपम का साइज छोटा या बड़ा जैसे भी चाहे रख सकते हैं, तो आज मैं छोटे साइज के ही उत्तपम बना रही हूँ, तो एक ही साथ दो उत्तपम भी इस तरीके से बना सकते हैं। आप चाहे तो एक के बाद एक बनाइए या फिर इस तरीके से दो उत्तपम साथ में भी बना सकते हैं। सेम बैटर को यूज़ करते हुए और भी कई टाइप के रेसिपीज आप बना सकते हैं, चाहे चीज़ डोसा बनाइए या फिर चिले बनाइए। तो सारे रेसिपीज़ बहुत ही मज़े के होते हैं, तो आप एक बार बैटर को बना के रख लीजिए तो कई दिनों तक इसे आप यूज़ कर सकते हैं। डोसे के बैटर को 15 से 20 दिन तक किस तरीके से स्टोर करना है अगर आप जानना चाहते हो तो मल्टीग्रेन की डोसे की रेसिपी में देख सकते हैं, उसमें मैंने क्लियरली बताया है। साउथ इंडियन रेसिपीज़ के साथ खाने के लिए कई तरीके से अदरक की चटनी बनाई जाती है, तो मैंने आपके साथ 3 तरीके के अदरक की चटनी के रेसिपीज शेयर किया है। खासकर टमाटर के साथ, प्याज को मिला के चना दाल के साथ, अदरक को मिक्स करके जो चटनी बनाते हैं वो उत्तपम, डोसा और इडली के साथ बहुत ही मज़े की रहती है। वो चटनी भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तीनों चटनियाँ बहुत ही मज़े के होते हैं, तो आप उन रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं। इंस्टेंट उत्तपम भी बहुत ही मज़े का होता है, वो सूजी से यानी कि उपमा रवा से बनाते हैं, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। उत्तपम सांभर के साथ भी बहुत ही मज़े का होता है, तो दो टाइप के सांभर के रेसिपीज भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर आप नहीं देखे हों तो मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। देखिए इसके दोनों साइड बढ़िया से कलर आ गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। आज मैं इसे सर्व करूँगी कोकोनट की चटनी, अदरक की चटनी और आलू के सालन के साथ। तो जो डोसे में आलू का सालन बनाते हैं उसी सालन के साथ मैं इसे सर्व कर रही हूँ। ये जो अदरक की चटनी है ये हमने डोसे के साथ बनाया था, इसे आप तकरीबन 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं अगर फ्रिज में रखेंगे तो ये भी बहुत ही मज़े की होती है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। आज की मज़ेदार उत्तपम की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कोई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।